कैसे हैं आप सब। मैं दीप मोटिवेशनल गपशप चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूं। सुख मांगने पर नहीं मिलता, सुख जो होता है वो सुबह की तरह होता है, जो मांगने से नहीं जागने से मिलता है। जी हाँ, मैं आज आप सबके लिए एक अलग से टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है आई एम परफेक्ट। यस, आई एम परफेक्ट। मैं जैसा हूं मैं वैसा ही ठीक हूं, ऐसा कितने लोग कहते हैं? बहुत कम, क्योंकि अपने बारे में सोचने का आजकल किसी के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सबसे पहले तो आ जाता है हमारे माइंड में जो बैठा हुआ है डर। डर कैसा होता है? जैसे हम तो छोटे से छोटे बच्चे को भी आजकल ऐसे ही बोल देते हैं। जहां मैंने भी ज्यादातर ऐसे ही देखा है कि अगर छोटा बच्चा हंस रहा है ना तो उसको बोल देते हैं इससे हंसाओ मत, अगर ये अभी हंस रहा है तो बाद में ये रोएगा। और एक वो होती है नजर। नजर का क्या है कि ज्यादा हंस रहा है ज्यादा खुश है ना तो इसको अभी नजर लग जाएगी तो बाद में ये रोएगा। ये तो हम छोटे से छोटे बच्चे को भी डर बैठा देते हैं दिमाग में कि ज्यादा खुश मत हो, बाद में रोना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि अगर सब कुछ ये ठीक है तो उसके बाद में यार कमियां आ जाती हैं। जो हम लोग ज्यादातर ना नेगेटिविटी ज्यादा पकड़ते हैं। नेगेटिविटी कैसी? कोई भी हो सकती है। जैसे हमारे फैमिली मेंबर्स पेरेंट्स हैं तो अगर वो हमें डांट रहे हैं किसी वजह से तो क्या होगा कि हम कहेंगे क्यों डांट रहे हैं ये, मतलब ये हर बार मेरे में कमियां ही क्यों ढूंढते हैं, राइट? ऐसा बहुत बार होता है, मेरे साथ खुद भी हुआ था। कंपेयर करते रहते हैं पेरेंट्स कि वो उसका बच्चा देख ले कैसा है, पढ़ाई में इतना अच्छा है, ये वो है। तो इसमें क्या है कि हम अपने दिमाग में ये चीज बिठा लेते हैं यार उसी को पकड़ के ले आओ ना, मुझे क्यों सुना रहे हो। एक कमियां जैसे निकालते रहते हैं यार, ये अच्छा है वो बुरा है वगैरह वगैरह। तो ये चीजें भी हमारी खुशी को दबा देती है, खुश कहाँ से होंगे हम। और फिर आ जाता है अगर ये डर भी है कमी भी है और अगर कोई अच्छा कर रहा है ना हमारे साथ तो आ जाएगा शक। आजकल क्राइम पेट्रोल सब देखते हैं, सभी के दिमाग में है कि अगर कुछ कर दिया ना इसका मतलब इसके पीछे इसकी का कोई ना कोई इसका रीजन है, ये किसी वजह से कर रहा होगा, क्यों कर रहा है। तो ऐसे भी कई चीजें आ जाती है दिमाग में। तो हम इतना सब कुछ दिमाग में लेकर बैठे हैं तो खुश कहाँ से होंगे हम, कहाँ से खुशी ढूंढ रहे हैं हम। जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारा लाइफ पार्टनर है, हमारे फ्रेंड्स हैं, बच्चे हैं, कुछ भी है, उनके साथ कितना टाइम स्पेंड किया है? कभी सोचा है? उनको कभी प्यार से हग किया है? टाइम ही नहीं है, या फिर शर्म आ जाती है यार अगर कुछ प्यार से बोलेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे, नहीं हो जाता है ना ऐसा। तो ये चीजें क्यों है? खुशी तो यहीं से मिलनी है, हम यहाँ से ढूंढते नहीं है, राइट? ये चीज है। तो इसके बाद में भी अगर हम लाइफ में क्या लेके बैठे हैं, डर वो मुझे छोड़ गया तो, अगर वो चीज मेरे से दूर हो गई तो मैं क्या करूंगा। तो ये चीजें बहुत ज्यादा हैं आजकल जो लोगों में है, हम क्या करेंगे। तो क्यों इन चीजों के बारे में सोचना है, ये एक बार सोच कर देखो भी हमारी लाइफ में द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मी क्या है, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मी, क्या है वो ऐसी चीज, ये तो पता ही नहीं है। सबसे पहले आप में से ही कुछ लोग सोचेंगे करियर, पैसा, ये मेरा करियर ऐसा होगा तो मैं ये कर लूंगा, पैसा होगा तो मैं ये कर लूंगा। कैसे कर लोगे? हेल्थ ही नहीं है तो कैसे कर लोगे? अच्छा ठीक है, आप मान लो पैसा है, पहली बात हमें पैसा चाहिए क्यों? दूसरों को चलाने के लिए या दिखाने के लिए? अपने लिए तो हम कुछ भी नहीं कर रहे, अपने लिए हमारे पास खुद के लिए टाइम तो है ही नहीं। थोड़ा सा फ्री टाइम होता है, मोबाइल देख लिया, टीवी देख लिया, कंप्यूटर लैपटॉप, इस पर टाइम देना हमें अच्छा लगता है, लेकिन खुद पर कितना टाइम दिया है? आप में से कितने लोग ये सोचते हैं कि थैंक गॉड मैं जिंदा हूं, मैं हूं? ये चीजें तो कभी हमने सोची ही नहीं है, कहां से सोच लेंगे, इतना टाइम ही नहीं है। करियर, पैसा, इस चीज के पीछे दौड़े हुए हैं, भागे हुए हैं, अपने लिए खुद के लिए टाइम नहीं है, एंड हो जाता है बस। ठीक है, और
मैं हूं ये चीज कहां से सोच लेंगे। कई बार तो ऐसा दिमाग में आ जाता है, इतनी टेंशन इतनी टेंशन, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं उसकी तरह नहीं हूं, वो मेरे पास नहीं है, वो उसके पास है, उसके पास ज्यादा अच्छा है। ऐसे हमारी एक्सपेक्टेशन है ना, जो वो बढ़ती रहती है, ये तो कभी खत्म ही नहीं होने वाली है। तो फिर हम कहाँ से हैप्पी हो जाएंगे, कहाँ से खुशी ढूंढ रहे हैं हम? ऐसा तो होता ही नहीं है, फिर कभी मिलेगी ही नहीं खुशी आपको। और हाँ, कई बार ऐसे भी होता है कि एक परेशानी आ गई तो यार मैं जिंदा ही क्यों। कई लोग तो ऐसा कर भी लेते हैं। अरे स्टूडेंट्स जो होते हैं, कॉलेज वाले होते हैं बच्चे, उनको इतना प्रेशर होता है पढ़ाई का, वो क्या करते हैं, 99% नहीं आए ना, 1% कम आ गया, सुसाइड कर लेते हैं। अरे उनको कोई पूछने वाला हो, अगर 95% भी आ गए तो क्या हो गया, क्या पता जिंदा होते तो क्या कर लेते। ये चीज तो माइंड में ही नहीं आई, तब गुस्सा था दिमाग में। गुस्से में कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बहुत लोग कहते हैं, लेकिन मानते कितने लोग हैं, नेवर नो। तो लेकिन ये चीज वैल्यू रखती है, आपकी लाइफ आपकी है, तो इसको कैसे जीना है, कहाँ तक लेके जाना है, ये आपके हाथ में होना चाहिए। आपको तो ये है ही नहीं, बस दौड़े हुए हैं गधों की तरह। बस ठीक है, सुबह उठे, 8 बजे उठकर ऑफिस गए, शाम को घर आए, लेकिन अपनी खुशी कभी नहीं देखी। कहाँ है खुशी हमारी? कभी किसी से डांट खा रहे हैं, कभी किसी के मतलब भागे हुए हैं, दौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन खुशी अपनी किसी को नहीं पता। कहाँ फिर खुशी कहाँ है, नहीं पता। फिर अपनी लाइफ को ऐसे खत्म करना, मुझे नहीं लगता कि ये कोई सही डिसीजन है। जो ये डिसीजन लेते हैं उनके दिमाग में ये चीज पहले होनी चाहिए, क्यों प्रेशर क्यों है यहाँ पे। ये चीज सोचकर देखो कि प्रेशर सच में है कि आपने खुद से ही क्रिएट किया हुआ है। ये चीज है, खुश रहने के लिए किसी रीजन की जरूरत नहीं है। अपने आप को देखो, अपने आप को देखकर बोलो, जो मैं हूं वो मैं हूं, मैं अच्छा हूं मतलब अच्छा हूं, मैं किसी की बराबरी नहीं करना चाहता क्योंकि मेरी तरह कोई नहीं है। फिर ग्रो करोगे आप, मैंने ग्रो करना है, मैं अच्छा हूं, मैं परफेक्ट हूं, जैसा हूं मैं वैसा हूं, मैं ठीक हूं। जब ये चीजें आपके माइंड में आ जाएगी तो आप ऑटोमेटिकली चेंज होने लग जाओगे। खुशी छोटी से छोटी चीज में भी खुशी मिलेगी आपको। दुखी होना तो बहुत, हमें बहुत मौके मिलते हैं दुखी होने के, लेकिन खुशी होने के ना, खुश होने के हमारे पास मौके नहीं होते, दुखी होने के बहुत होते हैं। किसी के पास बैठ जाओ, यार मेरी बीवी ऐसी, यार मेरा हस्बैंड ऐसा, यार मेरे बच्चे इतना दुखी करते हैं, माय गॉड ये सब कुछ होता है, यार उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मेरे से डिच किया, ये वगैरह वगैरह। तो रंडी रोना किसके पास, रो रहे हो तो ये रोना जो है वो तो, अरे वो बंदा कौन सा आप में इंटरेस्ट ले रहा है जिसको आप ये सुना रहे हो, मैं दुखी हूँ मैं दुखी हूँ मैं दुखी हूँ। वो तो सोच रहा होगा ये चुप कर, मैं ये चुप करे तो फिर मैं अपना शुरू करूँ। उसको आप में कोई ये नहीं है, वो आप दुखी हो आप बोल रहे हो तो वो कह रहा है कि ठीक है भाई, कि अच्छा मैं बहुत दिल से तेरे साथ हूँ, या ऐसे वैसे कुछ नहीं है, ऐसा सिर्फ टाइम पास हो रहा है। तो दुखी होने के बहुत रीजन है, लेकिन खुश होने के आपको रीजन खुद से अंदर से ढूंढने होंगे, तभी आप खुश हो पाओगे। पेरेंट्स के लिए आज वो बोल रहे हैं कुछ, गुस्से में बोल रहे हैं, लेकिन आपको ये होना चाहिए। कई ऐसे बच्चे हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनके पास आज पेरेंट्स नहीं है, तो उनको क्या है कि वो मिस करते हैं, डांट भी मिस करते हैं। फिर तो हमारे पास तो है, तो क्यों नहीं वैल्यू करते उनकी, कर सकते हैं ना, तो फिर खुश क्यों नहीं है। उनकी डांट में भी सुन लो, क्योंकि वो जिंदा है तभी तो बोल रहे हैं ना, नहीं होंगे तो कौन बोलेगा, ठीक है ना। तो फिर क्या है, आपके अच्छे के लिए बोल रहे हैं, मेरे अच्छे के लिए बोलते थे, कहीं से कहीं है वो पहुंच गए। अब आपके लिए बोल रहे हैं कोई, तो फिर वो भी अच्छे के लिए बोल रहे होंगे, बोलने दो ना, आपका आपके कुछ लगते हैं तभी तो बोल रहे हैं, ठीक है। गुस्से में भी कुछ बोल देते हैं तो उसको भी स्किप कर दो, ठीक है, जो मानने वाली बात है उसको समझो, कुछ नहीं होता। लाइफ ऐसी चलती रहती है। सो मिलते हैं अगली बार नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कुछ नई बातों के साथ, और बस अपनी लाइफ को एक परफेक्शन वे से लेकर स्टार्ट करिए। अच्छा अच्छा सोचिए, अच्छा अच्छा कीजिए, हमेशा आप ही के साथ अच्छा होगा,
जो आप माइंड में बिठा लोगे वही चीजें अच्छी होगी। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू। थैंक यू, बाय।